Mob justice in cases of alleged blasphemy is becoming a headache for Pakistan's government. In the latest such incident, a Pakistani man's body was set on fire after he was beaten to death by an angry mob after he was accused of blasphemy. तो ये वो वही बात हो गई कि मुसलमान को मुसलमान से डर है, खतरा जो है वो आपस में। पहले तो हम कहा करते थे जी हिंदू हमारे दुश्मन है, हमें हिंदुओं से बड़ा खतरा है। लेकिन लोग खुद ही फैसला करते हैं, बंदा जला देते हैं, अगर झूठा है तो उसको सजा दी जाए प्रॉपर। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है, वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे स्पीकर इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया, फिर उन्होंने एक लाउड स्पीकर का बंदोबस्त किया है। हालात खतरनाक से खतरनाक तर होते चले जा रहे हैं और हुकूमत इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सो रही है। बड़ा डरते हुए मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे से हम झूठ भी बोल सकते हैं, अल्लाह के आगे हम क्या करेंगे। का तो टूरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, टूरिज्म की बात तो बहुत आगे है ना, वहां पे तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। हाजिर ड्यूटी और रिटायर, मुच्छा वाटर दे के बैठा टोरंटो, अपने कपड़े पाए ने धोबी तो तोते ध्यान बैठे, यानी इल्जाम लगाना ही काफी है। जब इल्जाम लग गया तो फिर वो बंदा एक चलती फिरती लाश है, फिर वो बंदा कहीं भी महफूज नहीं है, वो बंदा घर में भी महफूज नहीं है, उसके घर को जला देंगे, वो थाने में महफूज नहीं है, थाने को जला देंगे, वो जेल में महफूज नहीं है, जेल में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था। अब चीज जो है ना, ये अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हमारे ताकतवर हलकों ने एक ग्रोह मुनज़्ज़म किया, उसको लॉन्च किया, जिसका नाम TLP है। तो TLP वाले अब ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन, आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, मजहब नहीं सिखाता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी औकात दिखा दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी जिहादियों ने कुरान के नाम पर एक टूरिस्ट को जिंदा जला दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वैट जिला में एक भीड़ ने कुरान के बेअदबी करने के आरोप में एक टूरिस्ट को पीट पीट कर हत्या कर उसे जला दिया। ये घटना स्वैट के एक खूबसूरत हिल स्टेशन मैदान में हुई, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। भीड़ ने सबसे पहले पंजाब प्रांत के सियालकोट से आए एक टूरिस्ट की बेरहमी से पिटाई की, जो मध्यान और उसके आसपास के अन्य इलाकों में घूमने आया था। पुलिस ने टूरिस्ट को गिरफ्तार कर लिया था, मगर भीड़ ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। भीड़ ने शव को थाने से बाहर खींच खींच कर सड़क के बीच उसे आग के हवाले कर दिया। ये घटना तब घटी जब कुछ लोगों ने बाजार में घोषणा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने कुरान की बेअदबी की है। इसके बाद आरोपी को कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही पास के एक मस्जिद से ऐसी आवाज आई कि जिसने भी ऐसा काम किया है उसे दंडित किया जाए। लोगों ने बताया कि मस्जिद के ऐलान के बाद ये जिहादियों ने ऐसा किया। एक तरफ हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे टूरिस्ट इलाकों में जाओ, लेकिन हमारे अपने अगर टूरिस्ट किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जैसे सवात में, तो हम बंदों को जला देते हैं। तार साहब, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, अदालतें, ये कोई नहीं है क्या? आप समझते हैं ये मॉब जस्टिस ही जो है ये हमारी किस्मत है? आपके स्वात के अंदर जिस बंदे की को थाने से निकाल कर आग लगाई गई है, आपकी इतला नर्स है, मेरे यहाँ अमेरिकन दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मैसेजेस आ चुके हैं। जलती बॉडी, वो चल रहा था, जलती बॉडी जलती थी। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था बिल्कुल, फिर सेल्फियां खींची थी आप। अब मैं उस वाक्य का खासकर आपके देखने वालों को, शायद हमारे देखने वालों को ना इसकी तफसील पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता जी साहब। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन, आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, लेकिन अदालतें मौजूद नहीं, थाने मौजूद नहीं है। जो मैंने पूरी रिसर्च की है, तकलीफ होती है जो इस तरह इंसान को इस तरह हुआ, और बिलखसूस अमेरिकन दोस्त कॉलिंग कर करके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वाकई दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर। मैं शर्मिंदा हूं, रिसर्च की है। तो वो बंदा एक तो मलेशिया रह के आया चीमा साहब, ज़हनी तौर पर बीमार था, उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दी थी, और बचपन से खासकर उसके बारे में एक और वाकया पता चला है, उसका वालिद वहीं भी किसी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता था, और ये बचपन से हमेशा कुरान पाक लेके जाके वहां बैठ के तलावत शुरू कर देता था, लोग उसको बैठे हुए साईं जी समझ के उसको पैसे देते रहते थे, इस तरह का माइंडसेट था।
दूसरी मुझे यह बताएं उसका माइंड सेट ठीक नहीं था तभी सियालकोट से जाके स्वात में बैठा था कई दिनों से। फिर तीसरी एक और बात बता, तुम जहनी तौर पर ठीक भी हो सकता है उसकी किसी वेटर के साथ लड़ाई हो, उसने गलत बात बता दी हो, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर शहादतें इकट्ठी नहीं की, विटनेसेस तो देखी नहीं, एविडेंस तो देखी नहीं किसी लोगों ने। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब है वो पहले मस्जिद में गए, उन्होंने मुझे स्पीकर इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया, फिर उन्होंने एक लाउड स्पीकर का बंदोबस्त किया पूरे शहर के अंदर, फिर उन्होंने किया। और चीनी जो वजीर आजम है आपका क्या ख्याल है, उसके कानों में खबर नहीं किसी ने डाली होगी कि जहां तुम बैठे हो इस्लामाबाद यहां से 200 मील के फासले पर जिंदा शख्स उन्होंने जला के राख कर दिया, और इसी शहर के अंदर इसी मुल्क के अंदर तुम्हारे चीनी इंजीनियर्स को पकड़ पकड़ के मारते हैं। आपको पता होगा कि आपके उन्हीं का एक चीनी इंजीनियर था जिसके ऊपर इन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था क्योंकि वो कहता था नमाज का वक्फा कम किया जाए। चीमा साहब इन सर्कमस्टांसिस में ये जो बैठे थे आपके सारे उस कमरे के अंदर उस चीनी मिस्टर चाओ के सामने, जो सारे हार्वर्ड यूपेन और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है अकल के अंधे, ये क्या नशा करते हैं चीमा साहब, मेरे समझ से बाहर है, ये क्या नशा है? सर दुनिया में 57 इस्लामिक ममालिक और भी हैं, तर सब ये हमारे लोग क्यों समझते हैं कि हम बंदे जलाएंगे तो हमारी शायद हमें जन्नत जल्दी मिल जाती है। तारक साहब इससे वो श्रीलंका वाले को भी जलाया था, आपको याद होगा तब भी माफिया मूफी मांगी, अभी भी बताया वो जो श्रीलंका वाला बंदा उसको सियालकोट चैंबर पैसे भेज दिया उसकी फैमिली को, मतलब ये क्या हमने ड्रामा बनाया हुआ है? वजह है, मैं वजह बता दूं, दुनिया के जो 57 दूसरे ममालिक है उनको शायद इस्लाम का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज हो, आप इस्लाम के करीब से भी नहीं गुजरे, ये फॉरेन रिलीजन है ना, आपका कल्चर इसके साथ एडजस्ट करता है ना, आपकी जबान इससे एडजस्ट करती है ना, आपका जहन ना खुराक कोई चीज आपकी इस्लाम के साथ एडजस्ट नहीं करती कि कोई चीज। और तीसरी बात यह है कि आप ऐसे लोग हैं, आप इस्लाम को अपनी मर्जी के लिए चार शादियों के लिए आप फौरन इस्लामिक हो जाते हैं, बच्ची को जायदाद में से हिस्सा ना देना हो फौरन इस्लामी, शरी फैसला शरी, दूसरी किसी चीज में शरी नहीं, फ्रॉड धोखा का तो टूरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, टूरिज्म की बात तो बहुत आगे है ना, वहां पे तो जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। बाइज्जत आदमी जिसको अपनी जिंदगी प्यारी है वो तो दो दफा सोच के जाता है वहां पे, अभी मैं जा रहा हूँ लैंड ऑफ द प्योर में जा रहा हूँ, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जा रहा हूँ, अब देखें। और ये अब चीज जो है ना ये अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, हमारे ताकतवर हलकों ने एक ग्रोह मुनज़्ज़म किया, उसको लॉन्च किया जिसका नाम TLP है, तो TLP वाले अब ये सब कुछ कर रहे हैं और किसी बंदे पे भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और जुल्म की इंतहा ये है कि किसी को भी सफाई का मौका नहीं दिया जाता कि यार वाकई तुमने ये किया था या नहीं किया था, यानी इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी है कि इल्ज़ाम लगा दिया, जब इल्ज़ाम लग गया तो फिर वो बंदा एक चलती फिरती लाश है, फिर वो बंदा कहीं भी महफूज नहीं है, वो बंदा घर में भी महफूज नहीं है, उसके घर को जला देंगे, वो थाने में महफूज नहीं है, थाने को जला देंगे, वो जेल में महफूज नहीं है, जेल में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब ये चीज अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और कोई शहरी महफूज नहीं है इस वक्त, सिर्फ इल्जाम लगाने की देर है और उसके बाद तो वो एक एक डेड बॉडी है, वो महफूज है ही नहीं कहीं पे, कोई भी उसे मार देगा। तो मुझे तो अभी इस वक्त कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि इस अफरीद पे काबू पाया जा सके, ये तो अब यकीन कीजिए कि हर बंदा इस मुल्क में अब गैर महफूज हो गया है कि कोई किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है और हुजूम जो है मॉब जो है वो उसको नहीं छोड़ेगा। जी आरजू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब तो ये वही बात हो गई कि मुसलमान को मुसलमान से डर है, खतरा जो है वो आपस में, पहले तो हम कहा करते थे जी हिंदू हमारे दुश्मन है, हमें हिंदुओं से बड़ा खतरा है, अब तो हम यहाँ आ गए तो अब यहाँ हमें एक दूसरे से कौन बचाएगा,